नमस्कार दोस्तों, आप सभी का एक बार फिर से स्वागत है आपके अपने YouTube चैनल दीपेश गुरु में। दोस्तों आप सभी कैसे हैं, आशा करता हूँ आप सभी स्वस्थ होंगे, मस्त होंगे। दोस्तों भारत में निकलने वाली हर एक वैकेंसी का अपडेट, सरकारी योजनाओं की जानकारी आप हमारे YouTube चैनल के माध्यम से प्राप्त कर सकते हैं। तो दोस्तों अभी तक आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो जल्दी से चैनल को सब्सक्राइब कर दें, क्योंकि चैनल सब्सक्राइब करने का आपको एक भी रुपये चार्ज नहीं देना है। चैनल पर जो वीडियो डालते हैं नोटिफिकेशन आपको सबसे पहले मिल सकेगी। तो दोस्तों आज हम आपको बताने वाले हैं, भारतीय पशुपालन निगम में 2246 पदों पर नई भर्ती निकाली है। 10वीं पास से लेकर ग्रेजुएट तक इसमें आवेदन कर सकते हैं। अगर आपने 10वीं पास है और ग्रेजुएशन वाले 10वीं 12वीं यूजी पीजी सभी इसमें आवेदन कर सकते हैं। दोस्तों बस एक बात का ध्यान रखिए कि पोस्ट के अनुसार, जैसे आपने 10वीं की तो उसकी पोस्ट अलग है, 12वीं की तो उसकी पोस्ट अलग है, ग्रेजुएशन किया तो उसकी पोस्ट के आधार पर आपको आप आवेदन कर सकते हैं। दोस्तों तो इसमें पूरे 2246 पदों पर आवेदन आप कर सकते हैं। आवेदन शुल्क है दोस्तों, अगर आप एसटी एससी ओबीसी सभी उम्मीदवारों के लिए ₹944 आवेदन शुल्क है। दो पद है ठीक है, मतलब लघु उद्यम विस्तार अधिकारी के हैं और लघु उद्यम विस्तार विकास अधिकारी के, टोटल 2200 से ज्यादा पद है दोस्तों। और दो, चलिए आगे पूरी जानकारी आपको देंगे कौन कौन से पद है, किस पद पर कितने पोस्ट हैं ठीक है। तो चलिए वीडियो को एंड तक देखिएगा एंड चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए, वीडियो को अभी से शेयर कर दीजिए, क्योंकि दोस्तों भारतीय पशुपालन विभाग में 2200 पदों पर भर्ती निकली है ठीक है। नोटिफिकेशन सहित आपको बताएंगे, वीडियो को एंड तक देखिएगा, चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिए। नोटिफिकेशन पाने के लिए सबसे पहले आपको चले जाना हमारी वेबसाइट पर जिसका नाम है gornews24, ये हमारी ऑफिशियल वेबसाइट है दोस्तों। हम इस पर हर एक अपडेट आपको यहाँ पर जो है वो देते रहते हैं। ऑफिशियल वेबसाइट को फॉलो करने के लिए यहाँ पर आपको फॉलो का बटन दिख जाएगा, आप जरूर फॉलो कर लीजिए। यहाँ पर थोड़ा स्क्रॉल डाउन करेंगे तो भारतीय पशुपालन निगम में 2246 पदों पर भर्ती निकाली है। 10वीं से लेकर ग्रेजुएट को मौका मिलेगा, एज लिमिट 45 साल। तो चलिए हमने इस पर जैसे क्लिक किया, यहाँ पर आप देख सकते हैं कि भारतीय पशुपालन निगम लिमिटेड ने 2000 से ज्यादा पदों पर भर्ती निकाली है। उम्मीदवार ऑफिशियल वेबसाइट पर जाकर आवेदन कर सकते हैं। अगर हम बात करें भर्ती का पद को कौन सा पद पर यह भर्ती निकाली है, तो दोस्तों लघु उद्यम विस्तार अधिकारी सहित अन्य पद हैं। आवेदन प्रारंभ की तारीख की बात करें तो 4/11/2024 का इसका नोटिफिकेशन जारी हो चुका था। इसका पहले हमने वीडियो बनाया, अगर आपने नहीं देखा है कोई बात नहीं, ये वीडियो जरूर देखिएगा, एंड तक देखिएगा। और आवेदन की अंतिम तारीख की बात करें तो यानी कि 25/11/2024 को लास्ट डेट है अगर आप इसमें आवेदन करना चाहते हैं। तो लघु उद्यम विस्तार अधिकारी सभी वर्गों के लिए ₹944 आवेदन शुल्क है और लघु उद्यम विकास अधिकारी सभी वर्गों के लिए ₹826 जो है वो रखा गया है आवेदन शुल्क। टोटल पदों की बात करें तो जैसे कि आपको पता है 2000 से ज्यादा पद है, यानी कि टोटल 2246 पद यहां पर आपको देखने को मिल जाएंगे। दोस्तों चिन्हित किए गए कौन कौन से पद है, लघु विस्तार अधिकारी, लघु उद्यम विस्तार अधिकारी के 562 पद है और लघु उद्यम विकास अधिकारी के 1686 पद है, टोटल हो गए 1246 पद हो पर। दोस्तों आयु सीमा की अगर हम बात करें तो दोस्तों लघु उद्यम विस्तार अधिकारी में आप अप्लाई करना चाहते तो आपकी आयु सीमा 21 से 45 वर्ष के बीच होनी चाहिए। लघु उद्यम विकास सहायक के रूप में अगर आप आवेदन करना चाहते हैं तो 18 से 40 वर्ष आपकी जो है वो उम्र होनी चाहिए ठीक है। दोनों की सैलरी भी हम बताएंगे, सभी आपको जानकारी देंगे। लघु उद्यम विस्तार अधिकारी अगर आप आवेदन करना चाहते हैं तो मान्यता प्राप्त बोर्ड या संस्था से आपको 10वीं पास होना चाहिए ठीक है, 10वीं पास होना चाहिए। और अगर आप लघु उद्यम विकास सहायक के रूप में आवेदन करना चाहते हैं तो ग्रेजुएशन की डिग्री जो है वो आपके पास होनी चाहिए। दोस्तों किसकी ग्रेजुएशन की डिग्री आपके पास होनी चाहिए। डॉक्यूमेंट की बात करें तो आधार कार्ड, वोटर आईडी, निवास प्रमाण पत्र, पासपोर्ट साइज फोटो, शिक्षा संबंधित प्रमाण पत्र, उम्मीदवार जिस पोस्ट के अप्लाई कर रहे हैं, जैसे आप लघु उद्यम विकास अधिकारी के लिए अप्लाई कर रहे हैं तो आपको 10वीं की मार्कशीट लगेगी और लघु उद्यम विकास सहायक की आप अप्लाई करना चाहते हैं तो आपको ग्रेजुएशन की डिग्री लगेगी। तो चलिए अगर बात करें लघु उद्यम विस्तार अधिकारी में आपको ₹40,000 प्रति माह जो है वो सैलरी दी जाएगी दोस्तों, और लघु उद्यम विकास सहायक की अगर हम बात करें तो आपको ₹35,500 प्रति माह जो है वो सैलरी दी जाएगी। इसमें बहुत आगे आपको बेनिफिट, अगर आप इसमें 2 साल कार्य कर लेते हो तो आपको दैनिक मतलब जो भत्ता है वो दिया जाएगा, आवास भत्ता दिया जाएगा, आने जाने का खर्च उसका भत्ता अलग से दिया गया। तो अगर 2 साल इसमें आपके कार्य पूर्ण कर लेते हैं तो आपको ये भत्ता जो सुविधा है वो चालू हो जाएगी, सैलरी भी आपको जो है वो बढ़ के मिल जाएगा ठीक है। सिलेक्शन की बात करें दोस्तों तो सिलेक्शन आपका सिंपल सा है, इंटरव्यू के आधार पर आपका जो है वो सिलेक्शन होगा ठीक है। इंटरव्यू के आधार पर सिलेक्शन किस प्रकार से होगा,
ठीक है, उम्मीदवार के पास अगर 10वीं पास है तो कितने परसेंटेज होनी, अगर ये जानकारी आप चाहिए, आपको चाहिए तो हमें कमेंट कर जरूर बताइए। आपके सब फुल डिटेल के साथ ये वीडियो कल ही आपके लिए बनाएंगे कि पूरी ए टू जेड जानकारी के इंटरव्यू किस आधार पर इंटरव्यू होगा, तो उसमें कितने परसेंट अंक आना चाहिए। ठीक है, इंटरव्यू जो है वो 100 नंबर का होगा, आपका कितने नंबर आते हैं तो मेरिट लिस्ट कहां पर गिरे, ये सभी जानकारी देंगे। बस वीडियो को एंड तक देखिए, अगर आप ये जानकारी जानना चाहते हैं तो कमेंट जरूर कर दीजिएगा। अब आवेदन किस प्रकार से कर सकते हैं वो हम जान लेते हैं। ठीक है, ऑफिशियल वेबसाइट है, यहां पर आपको चले जाना है, होम पेज पर मौजूदा भर्ती लिंक पर आपको क्लिक कर देना, जरूरी डिटेल्स दर्ज कर देना, मांगी जाने वाले डॉक्यूमेंट की स्कैन कॉपी को अपलोड करें, फीस का ऑनलाइन भुगतान करना है, एप्लीकेशन फॉर्म सबमिट हो जाएगा, इसका प्रिंट आउट निकाल कर आपको रख लेना है। ऑफिशियल नोटिफिकेशन की बात करें तो दोस्तों ऑफिशियल नोटिफिकेशन यहां पर आप क्लिक करेंगे तो आप ऑफिशियल नोटिफिकेशन आपको जो है वो डाउनलोड हो जाएगा ऑटोमेटिक, जिस पर जैसे आप क्लिक पर क्लिक करेंगे, पशुपालन स्वावलंबन योजना के तहत सीजी भर्ती पशु भारतीय पशुपालन निगम लिमिटेड है। ठीक है, इसमें आपको पूरी जानकारी मिल जाएगी दोस्तों, 8 पेज का जो है वो पीडीएफ है, आप इसमें जरूर से अगर आप आवेदन करना चाहते हैं तो हमें कमेंट कर जरूर बताइए, मैं हम आपको लाइव आवेदन कर बताएंगे कि इसमें आवेदन किस प्रकार से आप कर सकते हैं, घर बैठे आवेदन कर सकते हैं, जरूर हमें कमेंट कर बताइए। और अगर आप ऑफिशियल लिंक पर जाना चाहते हैं तो डायरेक्ट क्लिक करिए, आवेदन ऑफिशियल वेबसाइट पर आप इंटर हो जाओगे। ठीक है, ये रही इसकी ऑफिशियल वेबसाइट है दोस्तों, अगर आप आवेदन डायरेक्ट आपका ऑफिशियल वेबसाइट पर ओपन हो जाएगा। ठीक है, ऑफिशियल वेबसाइट ये है, अगर आप होम पेज पर जाना चाहते हैं तो पूरी होम पेज पर ये देखिए, प्राइड ऑफ राजस्थान पशु भारतीय पशुपालन निगम लिमिटेड देश में पशुपालन के लिए कौशल विकास की शुरुआत करने वाली पहली संस्था है दोस्तों, अगर आप इसमें आवेदन करना चाहते तो जरूर से कर दीजिए। दोस्तों इस वीडियो में इतना ही, नेक्स्ट वीडियो लेकर आपके साथ जल्द मिलेंगे, तब तक के लिए दीजिए मुझे इजाजत, जय हिंद जय भारत, वंदे मातरम।